अंतर्राज्य गैंग द्वारा सुरेंद्रनगर में लाखों की चांदी कराये धाड़ में वांटेड शिवा महालिंगम और तेना सागरी को हत्या करे ते पहला सूरत क्राइम ब्रांचे झड़पी पड़ा है। लोकसभा चूंटणी ने लई सूरत क्राइम ब्रांच की टीमें मैदान है तरह सूरत क्राइम ब्रांचे मोटी सफलता मिली है। आंतरराज्य गैंग कुख्यात शिवा महालिंग और एना सागरितों ने क्राइम ब्रांच की टीमें बे पिस्टोल ने 10 काठी साथ झड़पी पड़ा था। आरोपी हत्या गुना ने अंजाम आपे ते पहला ज क्राइम ब्रांचे झड़पी पड़ा है। तो कुख्यात शिवा महालिंगम ए सुरेन्द्रनगर में 107 किलो चांदी की धार करी थी। तो अमदावाद में जेनी विरुद्ध 17 थी वधु गुना नोंधायेला है। आरोपी काफे मालिक की हत्या करे ते पहला पुलिस झड़पी पड़ा है। कुख्यात सेवा महालिंगम उर्फे आफ्ताब पील फिरोज लंगड़ो शेख और सोएब शेख ने झड़पी पड़ी क्राइम ब्रांच वधु तपास हाथ धरी है। आज सुबह एक सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने एक टीम के साथ शाहरुख नाम के अपराधी को दबोचा और उसके पास से देसी बनावट की 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कार्ट्रिज मिले। शाहरुख को पकड़ा गया शास्त्री नगर और मान दरवाज़ा के बीच एक नेशनल गैराज के एरिया के पास से। उस वक्त वो 2 पिस्टल देने जा रहा था, पूछताछ में पता लगा शिवा और फिरोज नाम के अपराधियों को। ये तीनों अपराधी पहले भी सुरेंद्रनगर की एक बड़ी चांदी की धाड़ में वांटेड रहे हैं, एब्सकॉन्डर हैं। तो और आगे जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इसमें काम किया तो शास्त्री नगर के ही एरिया में थोड़ी दूरी पर फिरोज और शिवा को भी पकड़ा गया। और ये तीनों अधिकारी बहुत ही कुख्यात हैं। शिवा महालिंगम खासकर उसके ऊपर 21 जैसे गुना दर्ज हैं, बहुत से गुनाहों में अरेस्ट हुआ है वो पहले भी। इन तीनों ने और आरोपियों के साथ मिलकर सुरेंद्रनगर में जो एक धाड़ हुई थी राजकोट के रास्ते पर, राजकोट जाने वाले रास्ते पर, उसमें 107 किलो चांदी का केस था वो, और जिसकी कीमत शायद 70 लाख रुपए है, 70 लैक्स। इस धाड़ में भी ये तीनों वांटेड थे। हाल में शाहरुख अहमदाबाद डीसीबी के एक आर्मसेट के केस में वांटेड था और शिवा महालिंगम 6 महीने पुराने केस एक आर्मसेट केस में भी वांटेड था। ये जो बंदूकें मंगाई गई शिवा और फिरोज मिलकर, इनका एक अपने पुराने किसी साथी जो रतलाम कैफे चलाता था मुदस्सर करके और उसके और 2 मित्र जान पहचान वाले, इन तीनों से इनके कोई लड़ाई हो गई और बंदूक हुआ, जिसकी वजह से ये इन तीनों में से जो भी पहले मिले उसको हत्या करने का प्लान था। किसके पास से लाए थे ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब पता लगेगा, क्योंकि आज ही पकड़े गए हैं। लेकिन ये आरोपी बहुत कुख्यात हैं, इन्होंने पहले भी जेल में भी मर्डर किया है, अज्जू कानिया नाम के एक अपराधी का कराया है मर्डर, और श्री करसन भाई के निर्मा फार्म हाउस पर भी इन लोगों ने कोशिश की थी धाड़ करने की। ये सूरत में किसकी हत्या करने वाले थे, कहाँ उसका कैफे चला, सूरत में जो हथियार लेके आए थे किसी सूरत में हत्या करने वाले थे? हाँ, रतलाम कैफे का जो है ओनर है मुदस्सर, और इनका कैफे तो है अहमदाबाद में, लेकिन वो और उसके 2 और साथी, इन तीनों में से जो जहाँ पहले मिल जाए, तो यहाँ तो ये सिर्फ हथियार लेने आए थे, और इंटरस्टेट क्रिमिनल है ये, उड़ीसा में भी रहता है, हैदराबाद में भी रहता है, और हाल ये अहमदाबाद में तड़ीपार था शिवा महालिंगम। पुलिस को कब से तलाश थी? पुलिस को तो, स्टेट पुलिस को तो बहुत दिनों से तलाश होगी, क्योंकि उनके यहाँ खासकर अहमदाबाद पुलिस का तो गुनाह है, सुरेंद्रनगर पुलिस का गुनाह है, लेकिन हमें मेन इन्फॉर्मेशन आज ही मिली। कितना बड़ा गैंग है इनके लोगों में, कितने लोग शामिल, किस तरह के गुनाहों को अंजाम देते हैं? हर तरह के गुनाह को अंजाम देते हैं, मर्डर है, लूट है, धाड़ है, खून की कोशिश है, हर तरह के गुनाह है। शिवा के ऊपर अकेले 21 गुनाह है और बहुत से गुनाह में वो अरेस्ट हो चुका है, आर्मसेट के केस हैं, शाहरुख के ऊपर भी हैं, फिरोज भी हर चीज़ में वांटेड था। तो गैंग तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी गैंग है।